बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे स्टेटमेंट के रिलेटेड ही आगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं पिछले एग्जाम से, तो उन क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि पी एंड क्यू एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विद रेशियो 4:5, ठीक है ना। तो जो 3 महीने के बाद पी है, पी ना अपना 1/4 निकाल के ले जाता है और जो क्यू है वो अपना 1/5 निकाल के ले जाता है, ठीक है ना। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 60,000, ठीक है ना। 60,000 का प्रॉफिट उनमें बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, कितना कितना मिलेगा, ठीक है ना, किसी को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रहा पी, ये रहा क्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले उनकी रेशो थी 4:5, ओके। तो ये रेशो रही 3 मंथ्स तक, क्योंकि उन्होंने कहा कि आफ्टर 3 मंथ्स पी विड्रॉज, क्यू विड्रॉज, ठीक है ना। तो ये 3 मंथ्स तक रही। अब आगे उन्होंने कहा इस 4 का 1/4 निकाल लिया, तो इस 4 का अगर 1/4 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 का 1/4 किया तो 1, यहाँ पे बचा कितना 3, ये बाकी के 9 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। तो अब 5 का 1/5, ठीक है ना, 1/5 क्या होगा 1, तो 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये भी 9 के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक रूल है कि अगर यहाँ पे आपको काटना है, ठीक है ना, वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके रेशियो निकाल सकते हो, अगर आपको काटना है तो यहाँ पे 1 में काटोगे तो 4 में काटना पड़ेगा। जैसे इस 3 को काटना तो यहाँ भी काटा जाएगा, यहाँ भी काटा जाएगा और यहाँ भी काटा जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ पे सीधा ऐड कर देंगे, यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 12 और ये 17 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे P और Q की रेशो कितनी आ गई, ये P, ये Q हमारे पास, ठीक है ना, 13:17 आ गई, ठीक है ना। ये तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट कितना दिया गया है, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, ठीक है ना, उस फॉर्म का टोटल प्रॉफिट है। और उनकी रेशो कितनी है, 13:17, तो टोटल कितना हुआ 30, ठीक है ना। तो एक रेशो किसके बराबर आ गई, तो एक रेशो इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना, एक रेशो इसके बराबर है। तो पी का कितना हुआ, इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी, तो यहां पे ये इनका प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना, कि पी को इतना मिलेगा और क्या को इतना मिलेगा। सबसे पहले क्या किया, 3 मंथ्स के लिए ये पुरानी रेशो, फिर 1/4 इसने निकाला, 1/5 इसने निकाला, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 हो गया, तो 3 और 4 आ गया यहाँ पे बाकी के 9 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। तो अब इनकी रेशो निकाली तो रेशो 13:17 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे 60,000 टोटल था, तो हमने एक रेशो निकाल दी, 1:2000, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट आ गया, ये पी और क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट, अ मैन गेट अ सिंपल इंटरेस्ट 1000, ठीक है ना, उन्होंने सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट 5% इन 4 ईयर अपने को, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अगर वही मैन उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे मतलब कि वो करवा दे, इन्वेस्ट करवा दे, ठीक है ना, फॉर ट्वाइस द प्रिंसिपल अपने को, तो प्रिंसिपल क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है ना, दुगना होगा, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना, एट द सेम रेट अपने पास। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट है 1000, ठीक है ना, और रेट दिया हुआ है हमारे पास 5% और टाइम दिया गया है 4 साल, ठीक है ना, बट प्रिंसिपल नहीं दिया गया, प्रिंसिपल हमारे पास एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कलेक्टिव है, ठीक है ना, तो ये भी हम हमारे पास कलेक्टिव है, ठीक है ना, हम पिछली वीडियो में करके आए हैं कि ये हमारे पास कलेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कलेक्टिव इंटरेस्ट हो जाएगा परसेंटेज में, और ये कलेक्टिव इंटरेस्ट है हमारा रुपीस में, ठीक है ना। तो ये 1000 इज इक्वल टू 5 × 4, यहाँ पे 20% आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1000 20% के बराबर है तो 100 के बराबर ये आ गया हमारे पास 5000, ठीक है ना। ये 5000 क्या है, ये प्रिंसिपल है हमारे पास, ठीक है ना, ये 5000 का हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। तो वो कह रहे हैं कि इस 5000 को डबल करें, उन्होंने कहा है कि ट्वाइस, ठीक है ना, अमाउंट गेट ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल अपने पास, तो प्रिंसिपल का डबल किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10,000 आ गया, ठीक है ना।
10,000 आया जब तो हमारे पास रेट वही रहेगा। रेट कितना होगा? 5% का। अब टाइम 2 साल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो हमें निकालना है 2 साल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 1 साल का निकालेंगे। सबसे पहले 1 साल का, इस 10,000 का 5% करोगे। 10,000 का कितना करोगे? 5% करोगे हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10,000 का 5%, तो यहाँ पे आ गया 500, ठीक है ना। ये आया पहले साल के लिए, ये आया पहले साल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 500 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपको 2 साल का निकालना है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर का निकालो, सबसे पहले प्रिंसिपल पे वो रेट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 500, तो इस 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इस 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 500 का फिर 5% करेंगे, 500 का 5% करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 25 हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1,000 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 25, तो इसे ऐड करेंगे तो आ गया हमारे पास 1,025, ठीक है ना। तो 1,025 क्या है हमारे पास? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1,025 हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया था 1,000 का हमारे पास, ठीक है ना, ऑन अ सर्टेन रेट 5% 4 ईयर के लिए। तो यहाँ पे जो 1,000 है जो, तो यहाँ पे 500 का 20% लगाकर यहाँ पे 5,000 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5,000, ठीक है। तो 5,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया, 5,000 हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को डबल कर लो, ठीक है ना, इन्होंने कहा ट्वाइस कर लो, ठीक है ना। तो ट्वाइस अगर प्रिंसिपल करेंगे तो यहाँ पे 10,000, 10,000 का आगे 5% करेंगे, 5% कितना आ गया? 500 हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया? 500, ठीक है। तो इस 500 को 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल निकल जाता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1,000 हमारे पास। तो सेकंड में अब क्या करेंगे, इस 500 का फिर हम 5% करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आ गया हमारे पास 25, तो यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पे 25 आ गया, तो 1,025 आ गया, ठीक है ना। तो हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि 500 दो बार आएगा, क्योंकि 500 एक बार यहाँ पे आ गया, फिर हम 10,500 पे आगे फिर लगाएंगे, 10,500 पे आगे फिर लगाएंगे, ठीक है ना। तो 10,000 का तो वही 500 आ ही जाएगा, तो इस 500 पे हम फिर लगाएंगे तो 25 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना ही आएगा, ठीक है ना। आप वैसे भी करके देख लो, ठीक है ना, डिफिकल्ट मेथड से, उस तक उससे भी इतना ही आएगा, ठीक है ना, 1,025। तो ऐसे ही शॉर्टकट हो गया हमारे पास। तो फर्स्ट का 500 × 2 हो गया, यहाँ पे 25 × 1 हो गया, यहाँ पे इसका एडिशन कर दिया, तो 1,025 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया कि राधास प्रेजेंट एज इज 3 ईयर्स लेस देन द ट्वाइस एज 12 ईयर्स है, ठीक है ना। 12 साल पहले उसकी जितनी एज थी उसका ट्वाइस करके उससे -3 कर दे तो उसकी आज की एज आ जाएगी, ठीक है ना। आल्सो द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द राज एज एंड द राधास एज इज 4:9 अपने पास, ठीक है। तो व्हाट विल द रेशियो, व्हाट विल द राज एज, ठीक है ना, राज की एज कितनी होगी हमारे पास आफ्टर द 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, हमें यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि यहाँ पे है राधा और यहाँ पे है राज, ठीक है ना। तो राधा की हमारे पास यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, ठीक है ना, ये प्रेजेंट आ गया। तो प्रेजेंट से 12 साल पहले, प्रेजेंट से 12 साल पहले राधा की एज एक्स थी, ठीक है ना। राधा की एज कितनी थी? एक्स थी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि राधा की एज जो एक्स है 12 साल पहले, उसका ट्वाइस करके -3 कर दें तो राधा की प्रेजेंट एज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। ये तो कह रहे हैं कि राधा की प्रेजेंट एज, राधा प्रेजेंट एज कितनी आएगी, इसका डबल -3, ठीक है ना। बट हम क्या कह सकते हैं, हम कह रहे हैं कि इसकी एज आ जाएगी, इसकी एज आ जाएगी अगर हम एक्स में 12 प्लस कर देंगे, ठीक है। एक्स में क्या कर दें, इस एक्स में जस्ट 12 प्लस कर दें तो उसकी एज आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों तो बराबर ही है ना, ये भी प्रेजेंट एज कह रहा है, ये भी प्रेजेंट एज कह रहा है, तो इसको इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, एक्स कितनी आ गई यहाँ पे? 15, ठीक है। एक्स कितनी आ गई यहाँ पे? 15। तो अगर यहाँ पे राधा की एज 15 है, ठीक है, तो 15 प्लस 12 यहाँ पे कितनी आ गई? 27। या फिर इस 15 को यहाँ पे भर के देख लो, 15 × 2, ठीक है ना, 30 − 3 27, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि रेशियो 9 है, मैं कह रहा हूं कि रेशियो
रेशो नहीं, उनकी एज 27 है, ठीक है ना। ये तो कह रहे हैं कि रेशो 9 है, मैं कह रहा हूँ 27 अभी उनकी एज है जो 27 है, ठीक है ना। तो 27 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। तो एक रेशो किसके बराबर? 3 के बराबर। अब राज की कितनी आ गई, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ था और ये इयर्स में दिया हुआ था। तो 27 डिवाइड बाई 9 करके 1:3 साल आ गई, 1:3 साल के बराबर आ गई। तो यहाँ पे 4:4×3 = 12 साल, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज राज की 12 साल है, तो व्हाट विल द राज एज आफ्टर द 5 ईयर, तो 5 साल बाद इसकी कितनी होगी, ये 5 साल बाद, ठीक है ना। तो अगर 5 साल बाद की बात करें तो राज की एज 5 साल बाद 17 साल होगी, ठीक है ना। तो यहां पे अगला सम है हमारे पास कि रामू स्टार्टेड अ बिजनेस विद 2100 एंड ज्वाइंड बाय द श्याम 3600, ठीक है ना। तो श्याम 3600 लगाता है, ये 2100 लगाता है। आफ्टरवर्ड्स कहते आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड द श्याम ज्वाइन, ठीक है ना, कितने टाइम के बाद श्याम ज्वाइन करे द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर शेयर्ड इक्वली, ठीक है ना। प्रॉफिट की रेशियो, प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं वो, ठीक है ना। इसका मतलब रेशियो क्या होगी, 1:1, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे यहां पे रामू, यहां पे श्याम, रामू और श्याम, ठीक है। तो रामू 2100 रुपया लगाता है, ये 3600 लगाता है, ठीक है ना। अब इनकी जो रेशो आएगी, इनकी जो रेशो आएगी वो आएगी हमारे पास 1:1, क्योंकि इन्होंने कहा है शेयर्ड इक्वली, ठीक है ना। तो यहाँ पे, ठीक है ना, रामू ने तो स्टार्ट में ही कर लिया था, बिजनेस तो स्टार्टिंग में ही कर लिया था उसने, तो यहाँ पे उसने लगाया हमारे पास 12 मंथ, ठीक है ना। इसका हमें पता नहीं कितना टाइम लगाया, तो इसने तो पूरे 12 ही लगाए ना, क्योंकि इसने तो स्टार्टिंग में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। तो इसने 12, इसका एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है ना। रेशो यहाँ पे 1:1 आ रही है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब 2100 × 12 को इसके बराबर रखेंगे जब, तो आएगा 300, ठीक है ना। ये यहां पे कट गया, ये हमारे पास आ गया 7, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पे 7, ठीक है ना। के उसने 7 मंथ के बाद, ठीक है ना, 7 मंथ के बाद अगर हम यहां पे 7 लगा दें, यहां पर x की जगह पे 7 लगा दें, तो इनकी रेशियो बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। किया कैसे, 2100 × 12 इज इक्वल्स टू 3600 × x, ठीक है ना। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 300 कट के यहाँ पे आ गया 7, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 7 लगा दें तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, ये बराबर आ जाएगी, इनकी रेशियो बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है कि पी एंड क्यू इन्वेस्टर्स इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2, इफ द 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू अ चैरिटी देन द पी शेयर इज 912, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पे कहते हैं अगर हमारे पास मान लो कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 100%, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट अगर 100 है तो उसमें से 5% हमने चैरिटी दे दिया, तो वो 5% माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 95% के बराबर, ठीक है ना। ये 95% के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये बांटा जाएगा किसमें, ये बांटा जाएगा पी और क्यू में, क्योंकि ये तो चैरिटी चला गया, ठीक है ना। ये 95 पी और क्यू में बांट देंगे, तो इनकी रेशियो है 3:2, ठीक है ना। तो 95 डिवाइड बाई इनका सम, यहाँ पे 5, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि पी का शेयर 912 है, तो यहाँ पे सिर्फ पी का ही निकालेंगे कि पी का कितना होगा। तो इसका मतलब 57% इसका आ गया, पी का शेयर 57% है। तो ये तो कह रहे हैं कि 912 है, ठीक है ना, ये तो कह रहे हैं कि 912 मिलेगा, बट मैं तो कह रहा हूं कि 57% मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 912 डिवाइड बाय 57 × 100, ठीक है ना। 100 क्यों किया, क्योंकि 100 के बराबर हमारा प्रॉफिट है और इन्होंने टोटल प्रॉफिट पूछा है हमसे, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे 57 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1600,
ठीक है, तो ऐसे करके इसे कर लेंगे हम। 100 में से -5% क्योंकि चैरिटी, बाकी 95% पी और क्यू में बांटना है। तो हमारे पास पी का कितना आ गया 57%, वो कह रहे हैं 912, मैं कह रहा हूँ 57%, तो यहाँ पे एक बराबर हो गया, तो यहाँ पे टोटल आ गया हमारा 1600। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कि पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 13:8, ठीक है ना। तो 13:8 में वो स्टार्ट करते हैं और उनका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट रेशियो कितना है, 7:5, ठीक है ना। तो पी इन्वेस्ट करता है 7 महीने के लिए, तो क्यू कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो वैसे ही समय है जैसे यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू, ठीक है ना। पहले कितनी रेशियो थी इनकी, 13 यहाँ पे, ठीक है ना, ये 8, ठीक है ना। तो ये पी है जो वो 7 महीने के लिए करता है, तो 13 को 7 महीने के लिए करता है वो, ठीक है ना। 13 रुपए की कैपिटल लगा लो यहाँ पे 7 महीने के लिए, 8 रुपए की कैपिटल पता नहीं कितने महीने के लिए, पता नहीं कितने महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो प्रॉफिट की यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, ठीक है ना, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो अब जो ऐसी सिचुएशन आएगी, जो ऐसी सिचुएशन आएगी, तो वहां पे इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो। तो यहाँ पे ये 7 को 7 से काट दिया, ठीक है ना, 7 को 7 से काट दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 5 इधर जाएगा, 5 जाएगा इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 13 × 5, ओके, ये 8 × 10, ठीक है ना। तो 13×5 65, ये 8 मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अगर करें तो 8 मंथ्स आ गया, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 8 मंथ्स आ गया, ठीक है ना। इसमें अप्रोक्सीमेट ही ले लिया क्योंकि 8 मंथ्स वहां पे ऑप्शन में दिया होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 मंथ्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां पे बनाए रखेगा, ठीक है ना। तब ये रेशियो इतनी बनेगी, 7:5। तो यहाँ पे हमें कहते हैं द पीस ऑफ वर्क विच कुड बी फिनिश्ड इन द 9 डेज, ठीक है ना। जो काम ना 9 दिनों में, जो काम 9 दिनों में कंप्लीट होता था, वो 3 दिन जल्दी कंप्लीट हो रहा है क्योंकि हमने 10 और मैन ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। 10 मैन और ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन पहले कितने थे, अब तो 10 और ज्वाइन किए, तो पहले कितने थे। तो पहले हमारे पास मैन थे, मान लो पहले के मैन, ठीक है ना, वो थे एक्स, वो थे एक्स। तो जब एक्स थे तो काम कंप्लीट हो रहा था 9 दिनों में, जब एक्स थे तो काम कंप्लीट हो रहा था 9 दिनों में, ठीक है ना। अब उस एक्स में 10 और जोड़ दिए गए, पहले कितने थे एक्स, तो काम कंप्लीट हो रहा था 9 दिनों में, इसका मतलब ये टोटल काम हो गया हमारे पास। अब एक्स में 10 और जोड़ दिए तो काम 3 दिन जल्दी होगा, इसका मतलब 6 दिनों में, ठीक है ना। पहले 9 में होता था, अब 3 दिन जल्दी का मतलब 6 दिनों में होगा, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 9x 60 आ गया, ये इधर आके माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20%, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले हमारे पास इनिशियल सिचुएशन में 20 वर्कर थे, ठीक है ना, तो काम 9 में कंप्लीट हो जाता था। अब 20 + 10 30 हो गए, तो काम 6 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं इसको।